अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रुबाब हेल्दी कुकिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट और जूसी सीख कबाब बीफ के कीमे से। मैं बना रही हूँ, आप सेम रेसिपी से मटन और चिकन सीख कबाब भी बना सकते हैं। तो चलें देखते हैं सीख कबाब बनाने के इंग्रेडिएंट्स। तो व्यूअर्स, इस रेसिपी के लिए मैंने लिया है 1 किलो बीफ का कीमा और ली है मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्चों की पेस्ट और 1 प्याज लिया है क्रश और इसका पानी अच्छे से निचोड़ लिया है। और इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून भर के ज़ीरा पाउडर, 2 टेबलस्पून चाट मसाला, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून रेड पेपर सुर्ख मिर्च और 1 टीस्पून नमक। तो इन तमाम मसालों के साथ हमने कीमे को करना है मैरिनेट और मैरिनेट करके अच्छे से मिक्स करना है। कबाब के मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे तो ही वो जुड़े रहेंगे, वरना टूट जाएंगे। सीख कबाब के मसाले में बिल्कुल मॉइस्चर नहीं होना चाहिए और इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। चॉपर में भी आप इसे मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हाथ से मिक्सिंग का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। और मिक्सिंग करने के बाद इसमें आपने डालना है 1 टेबलस्पून लेमन जूस। ये वाहिद इंग्रेडिएंट है जो लिक्विड फॉर्म में जाएगा। और इसके साथ मैंने क्रश्ड पेपर्स और थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ डाल दी हैं जो इसमें कबाब में नज़र आती हैं और बहुत खूबसूरत लगती हैं। मिर्चें और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, मैरिनेशन हो चुकी है, इसे हम 4 से 5 घंटे तक फ्रिज में रख देंगे। बहुत अच्छा सा कबाबों के अंदर मसालों का फ्लेवर आएगा। तो ये हमारा कबाब मसाला मैरिनेट हो चुका है। अब हमने बनाने हैं कबाब। तो पहले घी लगा लें हाथ पे और बहुत अच्छे से इसके बॉल्स बना के स्क्वेयर्स पे मैं इसमें बनाऊंगी। बग़ैर स्क्वेयर्स के भी बनाऊंगी और स्क्वेयर्स पे भी बनाऊंगी, तो आप इसे कबाब की शक्ल में बना लें। बिल्कुल ये कबाब टूटेंगे नहीं, सॉफ्ट रहेंगे और बहुत मज़ेदार और जूसी कबाब बनेंगे, हार्ड नहीं बनेंगे। इसमें कोई बाइंडिंग एजेंट मैंने नहीं ऐड किया, बग़ैर किसी बाइंडिंग एजेंट के ही ये बहुत नरम से कबाब बनेंगे और बिल्कुल नहीं टूटेंगे। अब मैं बना रही हूँ तवे पे से, तो थोड़ा सा ऑयल आपने डालना है, शैलो फ्राई करना है और बहुत लाइट आंच पे इन्हें बनाना है। एक साइड से जब ये ब्राउन हो जाए तो इनकी साइड चेंज कर दें। और ये हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं और इन्हें देना है मैंने कोयले का स्मोक ताकि इसमें बारबेक्यू की महक आए और बहुत खुशबू इसमें मज़े की आएगी और ये किसी भी रेस्टोरेंट स्टाइल कबाब से टेस्ट में कम नहीं होंगे। तो देखते हैं स्मोक के बाद अपने कबाब हमारे बहुत खूबसूरत और बहुत जूसी रेडी हो चुके हैं। अब हम करेंगे इन्हें टेस्ट। तो बहुत मज़ेदार ये कबाब बने हैं, बहुत इजी रेसिपी है, आपने देखा है, बग़ैर किसी बाइंडिंग एजेंट के बहुत मज़ेदार ये कबाब और जूसी रेडी हो चुके हैं। तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को और अपना फ़ीडबैक दें मुझे कमेंट्स में। मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतज़ार। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें मेरी वीडियो को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।